इतने प्यार से उठाने के लिए शुक्रिया अमित सिंह। अरे शिनचैन तुम भी उठ जाओ ना बेटा। सुबह हो गई क्या मैम? आप हर रोज इतनी सुबह क्यों उठ जाती हैं? सोने दो ना थोड़ी देर। आप खुल गई ना? अब चलो ब्रेकफास्ट तैयार है। अरे ये क्या बेटा, तुमने बिस्तर गीला भी नहीं किया? मैं कुछ कह नहीं सकता कि मुझे आने में असल में कितनी देर हो जाए अमित सिंह। अच्छा ऐसे एक बात बताऊं तुम्हें, पिछले कुछ दिनों से तुमने अचानक बहुत ही बढ़िया खाना बनाना शुरू कर दिया है। क्या आप सच कह रहे हैं? एक बार खाने बैठूं तो मन करता है कि खाना बस खाता ही जाऊं। थैंक यू। इसे मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ। जल्दी वापस आना हैरी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शाम से पहले वापस आ जाऊँ। मैम सिनोना, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो, तुम्हें क्या कहना है? एक नया खिलौना आया है, एक्शन कमिंग का नया सेट है मैम। नहीं नहीं नहीं। मैम आजकल आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ शिनचैन, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ये अंडा भी बहुत टेस्टी बनाया है, बस इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है। अब ज्यादा बातें बनाना बंद करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी बस किसी भी वक्त आ सकती है। अब जाओ भी। ओके। चुपचाप चलते रहो। अच्छा
आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। चुप रहो। पुराने जमाने में अब भी मजा आता है पाटू। दरअसल बात यह है कि एक बहुत बड़ा जानवर इस तरफ आ रहा है और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। चलो जल्दी करो, सारी जरूरी चीजें ले लो और यहाँ से चलते हैं। तुम कितने सॉफ्ट हो, तुम्हारे ऊपर सवारी करने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मॉम तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं होंगी। तुम बहुत काम के हो, लेकिन तुम इतने बड़े हो, तुम्हारा ख्याल रखना आसान काम नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। लकड़ियाँ रास्ते में गिरा तो नहीं दी ना? अरे वो देखो, वो सीधे श्रीमान नुहारा के घर की तरफ आ रहा है। मिट्सी, कोई जरूरी चीज घर में तुम भूल तो नहीं गई हो ना? अरे मैंने सेल में जो ड्रेसेस खरीदी थी वो तो मैं लाना ही भूल गई। अब पछताए क्या हो तुझे, जब चिड़िया चुग गई खेत।
ये तो शिनचैन है। क्या हमें कुछ करना होगा, अगर वो वहीं खड़ा रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। शिनचैन भागो भागो भागो। मुझे नहीं लगता वो हटेगा वहाँ से।